वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार और बात करने जा रहा हूं आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग LMRC भी बोलते हैं, आपका लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। और आप सभी को पता है कि इसका जो है सो आपका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया था, तो ये सारा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप लोग देख लेना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेन आपका साइको टेस्ट के बारे में, ध्यान से देखना। आप लोगों का एग्जाम तो हो चुका है, आपका 17 अप्रैल को ही रिटर्न एग्जाम हुआ था और अब जो है यहाँ पे साइको टेस्ट होगा। किस पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर दिया हुआ, जिसको SCTO भी बोलते हैं, तो इसका जो है सो आपका साइको टेस्ट होगा। और इसमें जो है सो आपका 186 सीट दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज आपका सीट दिया हुआ है। और यहाँ पे जब आप लास्ट में जाते हो तो आपको यहाँ पे साफ साफ सिलेक्शन प्रोसेस में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, है ना, द सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्राइज 3-stage प्रोसेस, रिटन टेस्ट, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या समझे कि आपका रिटन हो गया, अब आपका जो है सो साइको टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा। मेडिकल जो है वो आपका A1 कैटेगरी में होगा। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट फॉर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, है ना, यहाँ पे उसको जो है सो साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और साइको एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब साइको टेस्ट का जो है वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आप रिटेन में टॉप भी कर जाते हो और साइको टेस्ट अगर आप फेल कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब समझ में आया, आपको साइको टेस्ट किसी भी कीमत पे पास करना पड़ेगा अगर आप ये पोस्ट चाहते हो। तो यहाँ पे आपका 186 सीट है और 8 times का सिलेक्शन होगा, तो into 8 करोगे तो आपका 1488 होगा, मतलब 1488 स्टूडेंट का जो है सो सिलेक्शन होगा, जिसको साइको टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप साइको टेस्ट का तैयारी कैसे करते हो, साइको टेस्ट में कितना तरह का क्वेश्चन आता है, उसका क्या क्या टाइप है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों को दो तरह का काम देता हूँ, एक काम कि आपको कमेंट करना है कि आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है, और 100% गारंटी इस बात का है कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आपको 100% मैं करवाऊंगा ऐप पे। उसके लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक है, वहाँ पे आपको LMRC साइको टेस्ट करके कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में जो है सो आपको आ जाना है और यहाँ पे क्या है कि जितना तरह का एग्जाम होगा आपका साइको टेस्ट में, सारा का प्रैक्टिस पेपर से लेकर के समझाने के लिए वीडियो लेक्चर्स तक सब कुछ यहाँ पे अभी से ही अवेलेबल है। और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड जो है सो लेना स्टार्ट भी कर दिए हैं, तो आप लोग इसको मिस्टेक मत करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर जाके LMRC साइको टेस्ट करके कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को आप लोग ले लो, ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट करो। और इस चैनल पे भी मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स डाल देता हूँ LMRC साइको टेस्ट से रिलेटेड, तो उसको भी आप लोग देखते रहना। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही LMRC का वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। ये चैनल आपका रेलवे ओरिएंटेड है, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम होता है तो उसका जो है सो आपका पूरा का पूरा अच्छे से तैयारी, साइको टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि LMRC साइको टेस्ट में कितना तरह का क्वेश्चन आता है, किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया जाता है, और आपको अपना स्पीड कैसे बढ़ाना है, और आप 100% गारंटी के साथ कैसे आप साइको टेस्ट आसानी से पास कर सकते हो। तो इसका लेक्चर जो है सो आपको इस लेक्चर के जस्ट बाद आपका आएगा। उसके लिए आप चैनल पे रेगुलर रहो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।